फीमेल की वेजाइना से डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल बात है। फीमेल में एक महीने के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 से 4 तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, लेकिन इस डिस्चार्ज में से ना तो किसी तरह की बदबू आती है, रंग सफ़ेद या ट्रांसपेरेंट होता है और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हमें पैड्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब डिस्चार्ज इतना ज़्यादा आने लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं रहें, उसमें बदबू आए और कलर भी अलग तरह का हो, तो ये चिंता की बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन से कलर के वेजाइनल डिस्चार्ज का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले बात करें वाइट डिस्चार्ज की, तो नॉर्मली सभी फीमेल्स में होने वाले हेल्दी डिस्चार्ज का कलर वाइट ही होता है। लेकिन अगर ये वाइट डिस्चार्ज दिखने में कर्ड यानी दही के जैसा दिखता है, तो ऐसा फंगल इन्फेक्शन होने की कंडीशन को इंडिकेट करता है। फंगल इन्फेक्शन होने पर इस डिस्चार्ज के साथ साथ खुजली, इरिटेशन जैसे दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं। दूसरा है येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज। येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया। बट अगर बहुत ही स्लाइट येलो कलर है और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आती है, तो ये नॉर्मल है। ऐसा डाइट में चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। थर्ड है रेड कलर का डिस्चार्ज। रेड कलर का डिस्चार्ज पीरियड्स में तो होता ही है, जो नॉर्मल है। बट अगर पीरियड्स के अलावा ऐसा होता है, तो हो सकता है बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चेदानी में कोई गांठ या फिर कैंसर हो गया हो। इन सभी प्रॉब्लम्स में रेड कलर का या गहरे लाल रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। फोर्थ है पिंक कलर का डिस्चार्ज। पिंक कलर का डिस्चार्ज तब होता है जब वाइट डिस्चार्ज में थोड़ा सा ब्लड मिक्स होकर आता है। ऐसा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने पर हो सकता है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। और अगर विजाइना या सर्विक्स में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कोई टीयर या हल्की खरोंच आ जाती है, तो भी पिंक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ग्रे कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल नहीं होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस भी कहते हैं। इस तरह के डिस्चार्ज के साथ दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, इसलिए ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। लास्ट है क्लियर डिस्चार्ज यानी ट्रांसपेरेंट और वाइटिश कलर का डिस्चार्ज। इसकी कंसिस्टेंसी एग के वाइट पार्ट जैसी होती है और स्लीपरी होता है। ये डिस्चार्ज ओवुलेशन के समय, प्रेगनेंसी के दौरान और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेजाइनल डिस्चार्जेस के कलर्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।